सुने कि जामनेर से हमारे रिपोर्टर इमरान खान ने बताया कि रोड सेफ्टी मुहिम, जी हाँ, रोड सेफ्टी मुहिम को लेकर जामनेर में गैर कानूनी तजावुजात, बड़ा गाढ़ा लफ्ज है उर्दू का गैर कानूनी तजावुजात, जिसे सादे अंदाज में कहेंगे हम अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। और ये भी खबरें हैं कि अवाम ने खुद भी आगे बढ़कर अतिक्रमण को निकाला, जो नाजायज कब्जा जात है रोड सेफ्टी मुहिम के तहत इसको हटाया गया। जामनेर में रोड सेफ्टी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत रास्तों पर जितने अतिक्रमण हैं और गाड़ियां खड़ा करने वालों के खिलाफ जो है उन पर भी कार्रवाई की गई है। सड़कों पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान अवाम ने भी हुकूमत का, नगर पालिका का, अधिकारियों का तआवुन करते हुए खुद भी अपने हाथों से अतिक्रमण को हटाया। इस मौके पर CEO चंद्रकांत भोसले साहब, PI किरण शिंदे के अलावा मोहकमा बल्दिया और मोहकमा पुलिस के आला अफसर और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। और मैं समझता हूं कि यह सिर्फ जामनेर का मसला नहीं, हर इलाके में, चाहे वो मुस्लिम हिंदू कोई भी इलाका हो, अतिक्रमण जो है वो लोगों की तकलीफ का जरिया बनता है। खुद ने हटा देना चाहिए, इससे अल्लाह के बंदों को तकलीफ होती है और अल्लाह के बंदों को तकलीफ देना ये भी हराम है। कुछ लोग क्या करते हैं, अतिक्रमण नहीं लगाते हैं, लेकिन दादा है साहब, मोहल्ले के दादा है, उनको कौन बोल सकता है, तो वो रास्तों पर कुर्सियां खाट लगाकर शान से बैठते हैं, देखते हैं कि गाड़ी वाले तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं। ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है, अल्लाह के बंदों को तकलीफ देना ये भी हराम है और बड़ा पाप है। जैसे शराब पीना गुनाह है, वैसे ये भी गुनाह है। और इस्लाम ने खुद बकायदा रास्ते के हक बताए हैं, प्रेषित मोहम्मद ने, नबी ने खुद रास्ते के हक बताए हैं। जलगांव शहर की एक और बड़ी खबर।